अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के वैतत्व प्रकरण पर विचार करते हुए अभी हम लोग 16वें कारिका पर आए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो है जो हमने आगम के द्वारा प्रतिपादन करके दिखाया उसी को युक्ति के द्वारा भी प्रतिपादन किया है कि जगत व्युत्थापन युक्ति क्या क्या है, कि एक एक करके कई युक्ति फिर कहने के बाद कि जो आपने बोला जब आपका सारा ही वस्तु मिथ्या, जागृत स्वप्न सारा मिथ्या है, तो जागृत स्वप्न वस्तु दृश्य सब मिथ्या होने पर भी जागृत दृष्टा मिथ्या नहीं है, वह स्वप्न दृष्टा मिथ्या नहीं है, और वही सारा जगत को कल्पना करता रहता है। वैसे कल्पना करता रहता अपने में अपने द्वारा अपने को कल्पना करते हैं, अनेक रूप में कल्पना करते हैं। अब इस कल्पना के क्रम में पहले दिखाया कि पहले सूक्ष्म रूप में मन में सब चिंतन आया, फिर बाद में अभिव्यक्त हो गया। अब प्रश्न होता है कि आपने जो पहले चिंतन किया तो सबसे पहले किसको चिंतन किया, तब उसको उत्तर बोला पहले सबसे पहले जीव को चिंतन किया। अब जीव की उपयोगी करके फिर बाकी सब चीज़ को कल्पना करते हैं। इसको 16वें कारिका में ये दिखाया गया है। कारिका को एक बार पढ़ेंगे फिर शुरू करते हैं, ठीक है। फिर जीव को आपने कल्पना किया, फिर उसके बाद तथा मतलब तादार्थेन उस जीव की उपयोगी के लिए उपयोगी बना करके पृथक विधान बाह्यान आध्यात् निकान भावान कल्पना है ना, अलग अलग प्रकार की उनकी उपयोगी क्रिया कारक फल भेद से है ना, जिस कर्तक रूप में कर्म रूप में करण रूप में फल रूप में कई चीज इसने अपने आप बनाए और बनाए किस रूप से बनाए, यथा विद्य यथा स्मृति, इसके जैसा जैसा उनके विज्ञान जैसा उनका उपासना कर्म तद अनुकूल उसको उपयोगी करके बनाया। तो इसको लेकर के देखिए कल हम लोगों ने यहाँ तक इस भाष्यकार की इस पंक्ति को पढ़ लिए थे। दिवश स्वयं कल्पित जीव सर्व कल्पनायाम अधिकृत, पेज 97 भाष्य में थर्ड लाइन देखिए, जो अशोक स्वयं कल्पितो जीव सर्व कल्पनायाम अधिकृत स यथा विद्यु जादृशी विद्या विज्ञान अस्ति यथा विद्य फिर तथा विधैव स्मृति तस्य इति तथा स्मृति भवति इति भवती स इति, वो इस प्रकार हो जाता है यथा विद्य यथा स्मृति भाई बहुत समझ करके दिखा रहे। जो असो स्वयं कल्पित, जब ये जो स्वयं कल्पित जीव है, कल्पित शब्द का अर्थ वहाँ पे देखिए ये आनंद गिर जी किए थे, कल्पित मतलब विशिष्ट रूपे नहीं थे, विशिष्ट रूप में जो आपने कल्पना किया सर्व कल्पनायाम अधिकृत, अधिकृत मतलब स्वामी विशिष्ट संबंध गुरु शिष्य अथवा मालिक नौका इस रूप में स्वामित्वेन संबंधेन अधिकृत स्वामित्वेन संबंध संबद्ध स्वामित्व रूप में उसके साथ आपने को जोड़ लेते हैं इति अर्थ। फिर वहाँ पे जो अंतिम पंक्ति आया शब्द इति आया हुआ था, इति शब्द श्लोक अक्षर योजना समाप्ति अर्थ दोजना प्लीज में इति शब्द श्लोक में चतुर्थ पाद में आया हुआ जाता विद्य जाता स्मृति, इसको जो अन्वय करने के लिए इसका अर्थ करने के लिए जितना कहना था उतना कहना हो जाता है, इसलिए इति शब्द दिया हुआ है। तो क्या बोला जथा विद्य मतलब जादृशी विद्या, जिस प्रकार इसका उपासना ज्ञान है ना विज्ञान मत्स्य हो गया जथा विद्य, जिसके इनके पास जितना विद्या है जितना विद्य है तद अनुकूल चिंतन करते हैं, तथा विधैव स्मृति जो ज्ञान हमारे पास है उसी का स्मृति होता है। आज हमने कुछ खाया पिया तो कल अच्छा वहाँ पे खाने से हमारे पेट भरा तो ठीक है, उसी प्रकार से जिसमें ज्ञान इसने खाने से तृप्ति होता है, एक खाना एक क्रिया और उसके जो फल तृप्ति ये हेतु कार्य कारण भाव अपने मन में दोनों एक साथ अगला दिन आ गया, फिर हम क्या करेंगे उस कर्म में प्रवृत्त होंगे। इसी प्रकार से पूरा सृष्टि पूरा ऐसे ही चल रहा है, इसलिए बोलते हैं कि तथा विधेव स्मृति तस्य उसका उसी प्रकार की स्मृति होता है, किस प्रकार की जितना जैसा विज्ञान है जैसा ज्ञान है जैसा अनुभव है वैसी स्मृति होती है, इसलिए उसका नाम दिया तथा स्मृति भवती स, वो व्यक्ति वैसा स्मृति वाला होता है ना। इस प्रकार से श्लोक का पद का अर्थ हो जाता है। आनंद गिरि जी ने यहाँ तक लिख दिया था इति शब्द श्लोक अक्षर योजना समाप्ति द्योतनार्थ। प्रकृत टीका में प्रकृत कल्पनायाम एवं कल्पनाम एवं प्रपंचयति, प्रकृत कल्पनाम एवं प्रपंचयति जो कल्पना किया इस कल्पना को विस्तार से समझा था किस आधार पर किया था। अतः भाष्य में अत हेतु कल्पना विज्ञानात फल विज्ञानम, ठीक है ना, हेतु मतलब
कारण इससे ये होता है, इससे ये लाभ मिलेगा, इस प्रकार से साधन साधन भाव उसको हेतु कल्पना विज्ञान। पहले क्या किया, इसको करने से ये लाभ होगा, ये हेतु कारण उसका विज्ञान, उससे क्या लाभ होगा, फल विज्ञान। ठीक है ना, जो हेतु कल्पना विज्ञान फल विज्ञान, ठीक है, मतलब इस करने से ये लाभ मिलेगा, इस करने से ये लाभ मिलेगा, इस प्रकार पहले ज्ञान होता है। तब तो दूसरा दिन क्या होगा, एक साथ आपने पहला दिन किसी से सुना तो तद अनुकूल आपने उसका ज्ञान हुआ, फिर उस अनुसार काम किया, ऐसा फल मिला। अब दूसरा दिन क्या होगा, उस समय आपका हेतु और फल एक साथ स्मरण में है, कल मैंने खाना बनाया था और खाना खाने से पेट भर गया था, ये आपके विज्ञान होगा, हेतु और फल कैसे, तत् हेतु फल स्मृति तत् विज्ञान, कल मैं इस प्रकार से जो खाना खाया था उससे मेरा पेट भर गया, ये विज्ञान होते ही तदर्थ क्रियाकारक क्रियाकारक तत्फल भेद विज्ञान यानी उस प्रकार सब क्या हो जाएगा। दूसरा दिन भी पेट भरने के लिए हम क्या करेंगे, भोजन बनाने में प्रवृत्ति होंगे, भोजन बनाने के लिए हमारे क्या चाहिए, आँख चाहिए, तंडूल चाहिए, पानी चाहिए, ये सब कारक हो गया, और उसके क्या जगह फल फल रूप में क्या उत्पन्न हो जाएगा, अन्न उत्पन्न हो जाएगा, फिर उसको खा के हम तृप्त हो जाएंगे। केवल एक नहीं, हर चीज़ को हर जगह में यही चीज़ है, समान दृष्टान्त देकर के बोलता है तदर्थ क्रियाकारक तत्व उसके फलस्वरूप हम क्या करेंगे, कर्म करेंगे, क्रिया कारक उसके लिए कोई आपको कर्म करण है ना, कर्म चाहिए, चावल को करण चाहिए, अग्नि को इस प्रकार से मैं बनाने वाला कोई पाचक चाहिए, तत्फल उसको क्या हो जाएगा, आपका फल चावल उत्पन्न हो जाएगा, खाएंगे तो तृप्ति होगा। इस प्रकार भेद विज्ञानानि है ना, उसका अलग अलग प्रकार के ज्ञान होता रहेगा। यहाँ पे देखिए टीकाकार इसको समझा रहे हैं, टीकाकार समझा, देखिए सती सती अन्नपानादि उपयोगी तृप्तादि भवति है ना, अन्नपानादि उपयोग सति मतलब खाए पिया, खाया पिया तो मुझे तृप्ति हो जाता है, ये एक विज्ञान है। शब्द कोई अच्छा गाना सुना तो मन आनंद लगता है, कोई अच्छा रूप देखा तो मुझे अच्छा लगता है, कल मैं उस रूप को देखा था बर्फ गिरते हुए देखा था अच्छा लगा, आज भी सोचता है यदि ऐसा बर्फ इसी दिन देखने के लिए दूसरा दिन कहीं जाते हैं। ये होता है कि कोई एक आपको ज्ञान हुआ इसलिए बोलते हैं सती अन्नपानादि उपयोगे तृप्ति आदि भवति, मतलब अन्नपानादि को खाने पर तृप्ति आदि सुख तृप्ति सब होता है, असति न भवति खाने से तृप्ति होते हैं, नहीं खाने से नहीं होते, ठीक है ना, अन्न व्यतिरिक्त दिखा रहे हैं। इस प्रकार मैंने परसों मेरे को खाना नहीं मिला था अथवा यदि मैं नहीं खाऊंगा तो भूख नहीं मिटेगी, ये जो निश्चय करते हैं असति न भवति इति अन्वय व्यतिरेक रूपात न्याया, ये अन्याय व्यतिरिक रूप न्याय, मतलब ये मिलने से मैं सुखी रहूँगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं दुखी होऊंगा, नहीं दुखी हो रहा हूँ, इस प्रकार से जो है हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है, खाने से मैं तृप्त होऊंगा, भूख मिटेगी, अब नहीं खाएंगे तो भूख बनी रहेगी, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं प्रकृत कल्पना असती न भवती इति अन्याय व्यतिरेक रूपादि, अन्याय व्यतिरेक मतलब तृप्त अन्नपानादि उपयोग क्षति तृप्तादि भवती, अन्नपान खाने से तृप्ति होता है और नहीं खाने से नहीं होता है, असति न भवती मतलब नहीं होने से नहीं होता है, इति अन्याय व्यतिरेक रूप न्याय, ये युक्ति हम मनीमन तैयार कर रहे हैं, ये भी ये जो है आध्यात्मिक आध्यात्मिक भावान बाह्य भावान तो अन्नपान आदि बाहर हो गया, आध्यात्मिक भावान ये हो गया क्या कि हमारी कल्पना की इसको करने से ही खाऊंगा। आप ये जो कल्पना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि खान पान तृप्ति आदि सब शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के धर्म है, आत्मा में कुछ भी नहीं है, इसलिए आत्मा के ऊपर कल्पित है। इसलिए न्याय भोजनादिकम हेतु ही कल्पना विज्ञानम उत्पद्यते, भोजनादि के लिए ही उसके कारण भोजनादि का देखम हेतु भोजनादि के लिए जो कारण है इति कल्पना विज्ञानम उत्पद्यते। देखें अतो हेतु कल्पना विज्ञान भाष्यकार की पंक्ति है अतो हेतु कल्पना विज्ञान, वो हेतु कल्पना विज्ञान के भी अर्थ करते हैं, अन्य व्यतिरेक के आधार पर वो क्या करते हैं कि भोजनादि कम हेतु भोजनादि के लिए है ना, ये क्या करता है कल्पना विज्ञानम, कल मैं खाया था पेट भर गया था, उस प्रकार की ज्ञान उसके पास अभी तक पीछे बोलते कल्पना हेतु कल्पना विज्ञान, उससे फिर क्या हो जाएगा फल विज्ञान, उसको बनाने से उसको अन्न होगा, अन्न खाने से तृप्त हो जाऊंगा, जो बोलते हेतु रीति कल्पना विज्ञान उत्पादी, फिर क्या हो जाएगा खाया ततः तृप्ति अधिकम फल, खाने से क्या हो जाएगा पेट भर जाएगा तृप्त हो जाएंगे, ततः तृप्ति अधिकम फल इति कल्पना विज्ञानम जायते, इस प्रकार से एक कल्पित विज्ञान ज्ञान अपने अंदर उत्पन्न हो जाएगा, क्या खाना खाने से पेट भरता है ना, ये विषय भोगने की जो इच्छा होती है ना, इस प्रकार से ये कल्पित है, क्योंकि किसके ऊपर कल्पना है, शुद्ध आत्मा जब जीव कल्पना किया जीव की उपयोगिता के लेकर के सब कल्पना होता है, लेकिन ये तो मस्ट है, ये किसके लिए मस्ट है, शरीर के लिए, शरीर के लिए मस्ट है,
जब आपने शरीर को एक कल्पित वस्तु अज्ञान से शरीर को हमने अथर्व कर लिया प्योर, तब ये भी कल्पना विज्ञान की अंतर्पत्ति है, ये भी कल्पना विज्ञान की अंतर्पत्ति है। शरीर के लिए मास्टर ठीक है, जब शरीर जीव स्वयं कल्पित है, जीवत्व कल्पित है और जीव की आधार हो गया शरीर, वो भी कल्पना है। और जीव अपने शरीर को रक्षा करने के लिए अपने भोजन आदि की कल्पना करती है, एक एक जगह पे कल्पना रहे, ऊपर कल्पना होगा, कल्पना के ऊपर कल्पना होगा। आगे इसके लिए सब समाधान भी बोलेंगे, इसके क्या करना है। इसके लिए असति न भवति इति अन्वय व्यतिरेक रूपात न्यायात भोजनादिकम हेतु इति भोजनादि के हेतु के लिए कल्पना विज्ञानम उत्पद्यते। कल्पना विज्ञान मतलब इससे ये संबंध होना, शिष्य मेरा लाभ होगा। तत्व तृप्त्यादिकम फलम, उससे क्या होता है, खाना खाते हैं तो तृप्ति होता है, शरीर पुष्ट आदि से शरीर चलता रहता है, व्यवहार चलता रहता है, ठीक है। इति फलम, इस प्रकार से कल्पना विज्ञानम जायते, ये जो व्यवहारिक व्यवहारिक जगत की विज्ञान उत्पन्न होता है, व्यवहारिक जगत के विज्ञान उत्पन्न होता है, कल्पना विज्ञानम जायते। ततः अपरेद्धु, अब देखिए एक अपरेद्धु मतलब नेक्स्ट डे, इसी प्रकार से नेक्स्ट पार्ट सब जगह पे यही चीज होगा। इसीलिए बोलते हैं ततः अपरेद्धु उक्तयोर उभयोरपि, ये दोनों का मतलब भोजन और भोजन से अन्न, अन्न से तृप्ति, ये दोनों मतलब भोजन और तृप्ति। ततः परेद्धु उक्तयोर उभयोरपि हेतु फलयोर, हेतु क्या हो जाएगा भोजन और फल हो गया तृप्ति, हेतु फलयोर स्मृति उद्भवती। जैसे ही आपको भूख लगेगी तुरंत स्मरण आ जाएगा कि कल हमने खाना खाया था तो मुझे तृप्ति, इसी प्रकार के आनंद घूमने का आनंद, पिछले साल मैं घूमने गया था अब भी घूमने का आनंद, इसी प्रकार हर भूख को एक बार मन में भूख से घुसा तो वो ऐसा एक जो है बीज हो जाता है, और फिर दूसरा दिन दूसरा बार दूसरा जन्म में उसी फिर अभिव्यक्त होकर के उस काम को कराता है। इसलिए बताएं कि ततो अपरेद्धु एंड उसके फलस्वरूप अपरेद्धु मतलब नेक्स्ट डे उक्तयोर उभयोरपि हेतु फलयोर, जो ऊपर कहा गया उन दोनों का ही मतलब भोजन और भोजन की फल तृप्ति हेतु फलयोर स्मृति उद्भवती। जैसे ही हमारा मन में कुछ उस प्रकार की भोजन की भावना अथवा तक किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा हुई, तत्संबंधित जो संस्कार है वो उद्भव होता है। कोई भी वस्तु की प्यास लगने से, चाहे कहीं कुछ देखने की इच्छा, कुछ सुनने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा, जब कभी भी इच्छा जागती है तद अनुकूल स्मृति उत्पन्न हो जाता है संस्कार से, चित्तपुर में रहता ही है। इसलिए बोलते तत्व तो अपरे दुख तय भयोरपि हेतु फलो स्मृति उद्भव, ततश्च फल साधन समान जातीय कर्तव्यता विज्ञान, फल उसका फल ये हो जाएगा जाएगा उस प्रकार की फल को प्राप्त करने के लिए जो साधन है समान जाति, मतलब कल किया जो किया था तद जातीय चिंता कर, फल साधन समान जातीय कर्तव्यता विज्ञान, ये करना चाहिए मुझे, ये करना चाहिए मुझे। इस प्रकार जन्मांतर में धर्माचरण किया करके आया था, उसका संस्कार है, अभी कोई परेशानी मन में हो रहा है, यहाँ धर्माचरण करने से हमारा दुख मिट सकता है, वो संस्कार उद्भूत हो जाता है, वो संस्कार उद्भूत हो जाता है। इस प्रकार से एक जगह पे समझ जाएंगे तो हर जगह पे ऐसे ही होता है। इसे बोलते हैं तत्व अपरे दु उभयोर अपि हेतु फलयोर स्मृति उद्भवति, ततश्च फल साधन समान जाति, उस प्रकार की फल प्राप्त करने के लिए जो साधन है वो समान जाति वस्तु की कल्पना करके उसमें कर्तव्यता मान लेते हैं। जन्मांतर ने पिता माता की सेवा किया तो जैसे ही हमारा ये हुआ तो ये मेरा कर्तव्य है, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है, पिता माता के प्रति हमारा कर्तव्य है, इसके प्रति हमारा कर्तव्य है, इससे मुझे पुण्य मिलेगा तो इससे मुझे लाभ मिलेगा, बस उस प्रकार कर्तव्य बुद्ध उत्पन्न हो जाता है। ततश्च फल साधन समान जाति कर्तव्यता विज्ञान वहाँ उत्पन्न, ततश्च अभिलाषित तृप्त्यादि फल अर्थ तेना पाकादि क्रिया, अब मैं सुख प्राप्त करना चाहती हूँ, किसके सुख, भोजन करने से तृप्ति होते, वो तृप्ति का संस्कार जागृत हुआ तो मैं भोजन करना चाहता हूँ, जब भोजन करना चाहते हो क्या करेंगे, आपको भोजन बनाना पड़ेगा और भोजन बनाने में प्रवृत्त होंगे। इसलिए बोलते हैं ततश्च अभिलाषित मतलब अभिष्ट तृप्ति आदि, मतलब भोज पेट भरना, तृप्ति होना और आनंद पाना, फलार्थ तेना तृप्ति आदि फल प्राप्ति के लिए पाका आदि क्रिया, फिर हम उसी प्रकार में प्रवृत्त होते हैं, मतलब सामान को इकट्ठा करना, मतलब करण को इकट्ठा करना, फिर उसको क्रिया करके भोजन आदि पाना, ये सब आदि से ग्रहण मिल जाएगा। तत्कारकम तंडुल आदि, तब बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, चावल, तो चावल लो, अन्न बनो, तत्कारकम मतलब जिस कारक से मतलब हो जाएगा कर्तव्यमय हो गया बनाने वाला, फिर कर्म चाहिए, करण चाहिए, ठीक है ना। पिछले व्याप जो है चावल भी लाया, आँख भी लाया, लकड़ी भी लाया, सब लाया, कि तत्कारकम तंडुल आदि,
तत्फल अन्न निष्पत्ति, अब आपने पकाया तो क्या हो जाएगा, अन्न बन जाएगा। निष्पत्ति निष्पत्ति आदिनी विशेष विज्ञानानि भवन्ति, फिर आदि से कह देंगे फिर उसको खाएंगे उसको तृप्ति होगा और वो संस्कार फिर बनता है। इसलिए बोलते हैं निष्पत्ति आदिनी विशेष विज्ञानानि भवन्ति, विशेष विज्ञान फिर उत्पन्न हो जाता है। तीन नंबर टिप्पणी में देखो तो विशेष विज्ञानानि तत्कालादि विषयानि, उस काल में उस देश में जिस प्रकार के विशेष विज्ञान, इसको खाने से मुझे ये लाभ होता है, ये खाने से ये लाभ होता है, इस प्रकार से इवन यहाँ तक भी दवाई खाते हैं फिर भी उसमें उस दवाई से मेरा लाभ होता है, तो खाए माइंड ऐसे संस्कारित हो जाता है, माइंड ऐसे संस्कारित हो जाता है। इसीलिए जो है अब बोलेंगे शरीर रक्षा के लिए चाहिए, ठीक है शरीर रक्षा के लिए चाहिए, स्वस्थ नहीं करता है, मतलब मन में भावना को रख करके कि सारा झूठा ही है मिथ्या ही है। शरीर रक्षा तो अपने आप की प्रारब्ध से ही होता है रक्षा, उससे सामान मतलब जो आवश्यक वस्तु भी आता है। इसलिए तत्काल आदि विषयानि इति अर्थ विशेष तत्काल जो विषय तत्व हेत्वादि स्मृति, इससे क्या हो जाएगा, मैंने कल खाना खाया था फिर खाना बनाया था फिर उससे मुझे लाभ मिला तृप्त हुआ पेट भर गया था, ये सारा स्मृति होता रहे। तत्व तद अनुष्ठान फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट दिन उसी प्रकार फिर अनुष्ठान करेंगे, ततश्च फल मुझसे क्या प्राप्त होगा, फिर तृप्ति होगा फिर सुख प्राप्त होगा। इति अनेन क्रमेण इस प्रकार स्मित हेतु हेतुमत्तया कल्पना भवती, ये हो गया कारण ये हो गया उसका फल और फिर इस फल से फिर ये कारण, इस प्रकार से एक चेन अनादिकाल से चलता है। इस प्रकार मित्र आपस में जो बोलते हैं ना निमित्त नैमित्त का आपस में बना हुआ रहता है, बाहरी और आध्यात्मिक और बाह्य भाव भाव में एक निमित्त नैमित्त भाव बना हुआ म्यूचुअल है आपस में जो है हेतु हेतु मत कल्पना भवती इति अर्थ, इस प्रकार कल्पना होता है। अब देखिए भाष्य में लास्ट लाइन में लिखते तेभ्य तत्स्मृति तत्स्मृतिश्च पुनः तद विज्ञानानि इति एवं, है ना, यद्यतः तत्स्मृति हम टीका को पहले पढ़ लिया हमने इस लाइन को, तदर्थ क्रियाकारक तत्फल भेद विज्ञानानि तेभ्य तत्स्मृति, अब आगे दिन क्या हो जाएगा उस विज्ञान से उसका फिर स्मृति भी हो जाएगा, विज्ञान से क्या हो जाएगा उसका स्मृति हो जाएगा, फिर क्या हो तत्स्मृतिश्च पुनर्तद विज्ञानानि, इसलिए बोलता है तत हेत्वादि स्मृति ततः तद अनुष्ठान ततश्च फल, फिर उसका विज्ञान, कल ऐसा खाया था तो परसों केवल दाल भात खाया था, कल भात तो ठीक है परंतु थोड़ा सा जो है सब्जी मिल गया था ये थोड़ा और अच्छा रहा, उस प्रकार विज्ञान तो फिर उसके लिए प्रवृत्ति, क्योंकि अच्छा के लिए तो रोज अब थोड़ा डेवलपमेंट सोचते हैं। इसीलिए ततः हेत्वादि स्मृति ततः तद अनुष्ठान ततश्च फल, इस प्रकार से तेभ्य तत् स्मृति तत्स्मृतिश्च पुनर्तद विज्ञानानि इति एवं, इस प्रकार से क्या होता है इति एवं स्वतः प्रकृतां कल्पना उपसंहरति, इस प्रकार जब हमने कल्पना किया था इसको लेकर के विचार किया जाए प्रकृतां कल्पना, अब इसको उसका उपसंहार करते थे बात चुका बोलते हैं एवं बाह्यान आध्यात्मिकांश्च, इस प्रकार जो बाहरी वस्तु है उसका संस्कार अंदर रहता है, जो असंस्कार अंदर आता है उससे भी बाहरी वस्तु की कल्पना करते, इस प्रकार से एक चेन अनादिकाल से बाह्यान आध्यात्मिकांश इतर इतर एक दूसरे को सहारा लेकर के इतर इतर निमित्त नैमित्त का भावे ना, है ना, एक दूसरे के लिए निमित्त और एक दूसरे के नैमित्त, इसके निमित्त से ए हुआ फिर इसके निमित्त से ए हुआ, ए के निमित्त से बी, बी के निमित्त से ए, इस प्रकार से निमित्त नित्य नैमित्त भाव से ये चलता रहता है। इतरान तरह से निमित्त नैमित्त के भावे ना अनेक अथा कल्पते अनेक प्रकार से वही चीज अपने लिए कल्पना कर लेते हैं। एक दो नंबर टिप्पणी दिखाई, एक नंबर टिप्पणी भाष्य में तर्ड लाइन नीचे से, भाष्य में नीचे से तदर्थ क्रिया तदर्थ क्रिया कारक तत्फल भेद विज्ञानानि, ठीक है ना, तदर्थ मतलब देखिए तृप्त्यादि फलार्थम पाकादि क्रिया, ठीक है ना, भोजन भोजन से तृप्ति, तृप्ति के लिए करेंगे भोजन बनाना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं तृप्त्यादि फलार्थम प्राका पाकादि क्रिया इति अर्थ इति स्पष्टम टीकाया, इसको टीकाकार ने स्पष्ट करके समझा दिया कि हमको कल भोजन किया था मैंने तो तृप्ति हुई थी तो आज उस तृप्ति फिर भोजन के पेट भर के तृप्ति प्राप्त करने के लिए आज क्या करेंगे हम फिर भोजन पकाने के लिए प्रवृत्त होते हैं, भोजन प्रवृत्त होते हैं, यही क्रम अनादिकाल से यही क्रम चलता आ रहा। तदर्थ क्रियाकारक तत्फल भेद विज्ञानानि, फिर दो नंबर टिप्पणी बोलते हैं या आपके पुस्तक में अलग करके नंबर हाथ से लिखा गया, हाथ से लिखा गया निमित्त दो नंबर,
लास्ट लाइन में, लास्ट लाइन में लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे देखिए, निमित्त नैमित्त का भावे न अनेकथा कल्पते, निमित्त मिति निमित्तादि इति अर्थ, निमित्त पर्याय प्रयोग सर्वाशाम प्राय दर्शन इति न्याय, मतलब किसी बोलेंगे कि निमित्त पर्याय प्रयोग, निमित्त और नैमित्त इसका पर्याय वाचक शब्द मत हेतु, निमित्त और फल, निमित्त और फल, निमित्त नैमित्त फिर उससे निमित्त फल, इस प्रकार से निमित्त पर्याय प्रयोग सर्वासाम प्राय दर्शन अभी मस्की जो प्रयोग में इसी को निमित्त नैमित्त सबसे अधिकतर जगह पर यही लिखा जाता है, क्योंकि कोटेशन के रूप में दिया हुआ है, ये कहाँ का न्याय है, निमित्त पर्याय प्रयोग सर्वासाम प्राय दर्शन इति न्याय, कि सर्वनाम तृतीय का के हमारा सर्वासाम क्यों नहीं आएगा, स्त्रीलिंग है ना, सर्वासाम जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, हम सर्वनाम शुद्ध है, सर्व शब्द है, सर्वा बन जाते हैं, उसका स्त्रीलिंग में प्रयोग है, षष्ठी बहुवचन, निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शन, हर जगह पे क्या होता है कि वहाँ पे प्रायत्व तो दिखाई पड़ता है, ये न्याय कहाँ का ये मुझे पता नहीं है, किसी के कुछ पुराने पुस्तक में लिखा होगा, एक सूत्र हमारा शिक्षण उसके ऊपर वार्तिक रूप में इस पुस्तक में पेंसिल से लिखा हुआ था, जब मैं पढ़ा था तो याद नहीं आ रहा है कुछ, सर्वनाम तृतीय देखूँगा मैं, ये बोलता है निमित्त पर्याय प्रयोगे, है ना, निमित्त की पर्याय के रूप में प्रयोग करें, मतलब क्या पर्याय मतलब सिमिलर थिंग कुछ, है ना, पर्याय पर शब्द क्या बोलते हैं, सिनोनिमस वर्ड को बोलते हैं, तो निमित्त पर्याय प्रयोग सर्वासाम प्राय दर्शन, मतलब उसी जैसा पहले हुआ ऐसा ही बाद में करते हैं, जैसा क्या जैसे बाद में करते हैं, ये दिखाई पड़ता है, ये न्याय है, मतलब जैसा हमने किसी निमित्तों से पहले कोई काम किया था अधिकतर ऐसे ही करेंगे, अधिकतर ऐसे ही करेंगे, प्राय दर्शन किसी निमित्त को लेकर के मैं कोई काम को किया था, हर जगह पे अधिकतर ऐसे उसी निमित्त के वही काम को करेंगे, भोजन पाने के लिए जब भूख लगेगी तब हम दूसरा काम नहीं कर भोजन भोजन पकाने में प्रवृत्त होंगे, अथवा क्या करेंगे, प्राय क्यों बोला, क्योंकि नहीं तो कहीं पर भीख मांगेंगे, भोजन नहीं पकाएंगे तो कहीं तो भीख मांगेंगे, दोनों में से कोई ये करेंगे, उसके लिए प्राय अधिक दिखाई देता है, जो पहले करके आया तो उसी को ही करता है, इसलिए प्राय दर्शन ये नहीं आएगा, इस प्रकार से ये जीव कल्पना कैसे करते हैं उसके ऊपर हो, अब जो है ये कल्पना क्यों होता है, ये कल्पना क्यों होता है इसको लेकर के बोलेंगे, ठीक है ना, किससे कैसे हमने कल्पना कर लिया उसको लेकर के अगला श्लोक देखिए, यहाँ पे बोलते हैं इदानी जीव कल्पना निमित्तम निरूपय, जीव जो ऐसा कल्पना करते हैं उसके निमित्त क्यों करते हैं, कभी भी कल्पना हम रज्जु के ऊपर सर्प कल्पना क्यों करते हैं, अथवा मरुभूमि में पानी की कल्पना क्यों करते हैं, क्योंकि उस तत्व के हमें यथार्थ ज्ञान नहीं, हमने ठीक से वहाँ पे नहीं देखा, हम ठीक से वहाँ पे नहीं देखने का कारण वहाँ पे कोई वस्तु अपने संस्कार के अनुसार कल्पना कर देते, ये मुख्य चीज है, इसलिए यहाँ पे बोलता है इदानीम जीव कल्पना निमित्तम निरूपयति, आप क्या करते हैं इस कल्पना के हेतु क्या है, क्यों, यदि आप हेतु को समझ जाएंगे तब क्या हो जाएगा, उसका निराकरण भी हो जाएगा, कल्पना के जो निराकरण वो भी हो जाएगा, अपने आप ही बोलेंगे क्यों मैं ऐसा कल्पना कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले अपने को परिच्छिन्न बना लिया, परिच्छिन्न बनने से क्या होता है कि हमसे भिन्न वस्तु दिखाई देने लगती है, और फिर उसके साथ व्यवहार करते समय हमें क्या हो जाएगा, राग अथवा देश प्रीति आत्मक अनुकूलात्मक प्रतिकूल प्रतिकूलात्मक व्यवहार उत्पन्न होता है, और फिर जो है तदनुकूल व्यवहार आगे बढ़ता जाता है, कि जैसा किया वैसे ही करेंगे, जैसा कैसे ही करेंगे तो व्यवहार बढ़ता जाता है, ये वह मतलब निमित्त तो क्या हो जाएगा कि आपने को ठीक से नहीं समझ पाना ही तो कल्पना के लिए निमित्त होता है, इसलिए बोलते हैं इदानीम जीव कल्पना निमित्तम निरूपय, तो उसका निरूपण करके दिखाते हैं श्लोक, अनिश्चिता यथा रज्जु, अनिश्चिता यथा रज्जु, रंधकारे विकल्पिता, रंधकारे विकल्पिता, सर्पधारादिभिर्भावै, सर्पधारादिभिर्भावै, तत्पद आत्मा विकल्पितः, तत्पद आत्मा विकल्पितः, अनिश्चिता यथा रज्जु, रंधकारे विकल्पिता, सर्पधारादिभिर्भावे, सर्पदात्मा विकल्पितः, यथा रज्जु
अनिश्चिता राज्यु यथा अनिश्चिता राज्यु अंधकारे विकल्पिता है ना, राज्यु है ये निश्चय नहीं हुआ अंधकार के कारण, अंधकारे यथा अनिश्चिता रज्जुर्विकल्पिता, रज्जु स्त्रीलिंग है इसलिए विकल्पिता है ना। तो यहाँ पे अंधकार में जैसे परा हुआ रज्जु का निश्चय नहीं होने के कारण उसके ऊपर हम कई प्रकार के विकल्प कर लेते हैं, सर्प जलधारा माला भूछित्र दंड कई प्रकार की कल्पना अपने आप संस्कार। जो व्यक्ति जानता है कि वहाँ पे रज्जु ही परा हुआ है, एक जगह पे कोई इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहाँ पे वो लोग काम करते हैं, लेबर लोग काम करते हैं, तो अंधेरा हो गया ठंड का समय था, एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होता है कि सब सामान सामान ले करके अंदर बंद करके रखने का, वो सारा सामान उठाया ताला लगा दिया फिर देखता रहे रस्सी उठाना नहीं हुआ, चला जाने भी वहाँ से तो कोई नहीं लेता परा रहने दो कल देख लेना चले गए। अब जाकर हाथ में धोकर सब एक साथ बाहर जा रहे हैं, अंधेरा तो और अधिक हो गया, हाथ में धोकर सब जा रहे हैं। अब दूर से इस रज्जु को देख करके ही एक कहते हैं कि देखो देखो वहाँ भी सामने, एक कहता है कि माला भूछित अलग अलग व्यक्ति और पंथ जिसने जानता रहे मैं तो वहाँ पे आज गलती से उसको उठाया नहीं तो वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनको जानते हैं कि अब तक बोलते कार्य घबरावटी हो रहा हूँ कल। ये जो है ये नहीं जानने का कारण ही हमारा भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पना होता है, और जो जानता है कि वहाँ पर रज्जु तो मैंने जान उसका जो उठाया नहीं वो कुछ नहीं कल्पना कर रहा है, वो सीधा वहाँ पर जा रहे हैं उनको लेकर। इसलिए बोलता है यथा अंधकारे अनिश्चिता रज्जुर्विकल्पिता, जिस प्रकार अंधेरे में रज्जु अधिष्ठान का अधिष्ठान रूपी रज्जु का निश्चित नहीं होने के कारण वो अनेक प्रकार से विकल्पित होता है, कैसे कैसे सर्प धारा दिभीर भावे, सर्प जल धारा भूचित्र माला दंड इस प्रकार की भावों के द्वारा वो विकल्प विकल्प करते हैं। विकल्प मतलब क्या है, कोई वृत्ति मन में उठेगा परंतु वस्तु वहाँ पर नहीं है, जमीन फटा हुआ है, भूछिद्र माला जलधारा दंड सर्प कितने प्रकार की कल्पना करते हैं, सर्प धारा विविध भावे ठीक उसी प्रकार तद्वत आत्मा विकल्पित, ठीक उसी प्रकार मतलब वहाँ पे उसे होगा आत्मा संबंधित जैसे वहाँ पे अज्ञान, इसी प्रकार अविद्या के कारण अनिश्चित आत्मा के ऊपर जगत की कल्पना किया गया, अंधकार के कारण जैसे अनिश्चित रज्जु के ऊपर जलधारा के विकल्प करते हैं, इसी प्रकार अज्ञान के कारण आत्मा संबंधित अज्ञान के कारण आत्मा के अधिष्ठान के ऊपर पूरा सृष्टि की कल्पना करते हैं। कल्पना की शुरुआत कहाँ पे, पहले अपने को ही अपनी व्यापकता को भूल करके हम अपने परिचित जीव मानना कर दें, फिर उसके बाद एक मंजिल दो मंजिल तीन मंजिल ना जाने कितना चढ़ते जाते हैं। इसी प्रकार तो यथा अंधकारे अनिश्चिता रज्जु विकल्पिता सर्पदारा दिविन भावे तद्वत यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंधकार क्या जाएगा अविद्यायाम, सब सप्तम में एक बच अविद्यायाम आत्मा विकल्पित, और ये अविद्या के फलस्वरूप आत्मा में आत्मसंबंध अज्ञान आत्मा में इतना विकल्प हो जाता है। अब यह टीकाकार भाष्यकार के लिए उपोद्घात दे रहे हैं, श्लोकस्य तात्पर्यम दर्शयितुम, श्लोक की तात्पर्य को दिखाने के लिए वृत्तम कीर्तयति, उसके पहले क्या कथन करके आया उसको दोबारा बोलते हैं भगवान भाष्यकार, श्लोकस्य तात्पर्यम दर्शयितुम वृत्तम कीर्तयति, श्लोक की तात्पर्य को दिखाने के लिए उसके पहले क्या कथन करके आया उसको दोबारा बोलते हैं भगवान भाष्यकार, तत्र जीव कल्पना सर्व कल्पना मूलम इति उत्तम, ठीक है ना, सारा सृष्टि की कल्पना की कौन है, सबसे पहले जीव की कल्पना की, जैसे जीव की कल्पना की तब उनकी अनुकूल होकर के बाकी सारा सब कल्पना की हिरण्य गर्भ से लेकर के चींटी तक, इसलिए बोलते हैं तंत्र जीव कल्पना सर्व कल्पना मूलम इति उत्तम, ऐसा हमने पहले कथन करके आया। फिर यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं टीका में आ जाए भी, पूर्व श्लोक सप्तमी अर्थ, यहाँ पे भाष्यकार की पंक्ति में सप्तमी कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तत्र तत्र जीव कल्पना सर्व कल्पना मूलम इति उक्तम, ठीक है ना, तो यहाँ पे सप्तमी अर्थ में आता उस स्थान पे उस होते यहाँ पे जो पूर्व श्लोक सप्तमी अर्थ पहला श्लोक मंत्र जिसके जीव कल्प अति तो भावान पृथक विधान बाह्यान आध्यात्मिक सेव तथा विद्युत तथा स्मृति, इसके यहाँ पे तत्व पद की तरह कहा गया पूर्व श्लोक सप्तमी अर्थ, जीव कल्पनाया नित्यत्व अजोगा सनिमित्तत्वस्य च वक्तव्यत्वात् तस्य च वस्तुत्वे निवृत्ति अनुपपत्ति। देखिए अब क्या है, यदि जीव जो कल्पना किया, हमने जीव को कल्पना किया था,
ये जीव कल्पना यदि पारमार्थिक कल्पना हुई होती, कोई पारमार्थिक वस्तु तब तो कल्पना नहीं, ये जीव कल्पित इतना होगा कि यदि पारमार्थिक हुई होती तब जीवत्व की निवृत्ति कभी आशा नहीं कर। जो जीवत्व की हमने कल्पना किया, यदि आत्मकल्पना शब्द प्रयोग कर दिया, यदि ये पारमार्थिक हुई होती तब इसकी निवृत्ति कभी होना ही नहीं है ना। इसलिए बोलते हैं कि जीव कल्पनाया नित्यत्व अजोगा, जीव कल्पना नित्य नहीं हो सकता है। जो जीवत्व जीव में ये मतलब अपने जीवत्व की जो कल्पना की उसमें ना, वो नित्य नहीं हो सकता है। नित्यत्व अजोगा क्यों, एक नंबर टिप, नित्यत्व ही निर्मोक्ष प्रसंग मोक्ष अभाव इतिहास। अनिर्मोक्ष प्रसंग बोलते हैं, निर्मोक्ष प्रसंग भी बोलते हैं, मतलब यदि जीवत्व आपका नित्य धर्म होगा तब क्या हो जाएगा, कभी मुक्ति का आशा नहीं रहेगा, मुक्ति का आशा नहीं रहेगा। एक शास्त्र ने मुक्ति के मार्ग दिखाए, यानी कि जीवत्व कल्पित वस्तु उसकी निवृत्ति होना संभव है। जीव कल्पना नित्यत्व अजुगत, अब बोले किसी निमित्त से हुआ, यदि किसी निमित्त से हुआ तो वो निमित्त नित्य होगा, यदि किसी निमित्त से हुआ। जिस प्रकार जल में उष्णता अग्नि के निमित्त में आई, ठीक है ना, यदि वो निमित्त नित्य रहेगा तब जल हमेशा ही उष्ण रहेगा, यानी कि जल की स्वाभाविक धर्म शीतला तो कभी आ ही नहीं पाएगा। यानी कि किसी निमित्त से यदि कोई धर्म आया हुआ है वो भी नित्य नहीं हो सकता, वो अनित्य ही है। यहाँ पे निमित्त क्या है, स्वरूप का अज्ञानी निमित्त है, इसलिए अज्ञान भी कोई पारमार्थिक निमित्त नहीं है। क्योंकि यदि हमेशा जल के साथ अग्नि लगा रहेगा तो जल की उष्णता बनी रहेगी, तो हम नहीं बोल सकते कि जल शीतल है। ठीक इसी प्रकार किसी निमित्त को लेकर के अगर जीवत्व का हमने आरोप किया, यदि वो निमित्त नित्य होगा तो क्या हो जाएगा, जीवत्व में नित्य हो जाएगा, यानी कि अविद्या भी कोई नित्य वस्तु नहीं, गलती थे अभी। दोनों चीज को कितना सुंदर लॉजिकली समझे, देखिए, जीव कल्पनाया नित्यत्व अजोगात सनिमित्तस्य वक्तव्य, तथा किस निमित्त से तब आया वो जब बोलेंगे, तस्य च वस्तुते निवृत्त। यदि ये दोनों ही चकार के द्वारा जीवत्व जीव की जिस निमित्त सामने जीवत्व की कल्पना हो गई हमसे, वो यदि वो मतलब पारमार्थिक होता तब अनिर्मोक्ष प्रसंग आ जाएगा, वस्तुते निवृत्त अनुपत्ति, तब उसका निवृत्ति होना कभी भी संभव ही नहीं होगा, ठीक है ना। आप यदि हमेशा जो एक हीटर को बिजली लगा करके आपने पानी में रख दिया और आप कभी भी उसमें पानी निकालोगे तो गर्म पानी मिलेगा, आपको ठंडा नहीं मिलेगा, यानी कि पानी अपने आप स्वरूपत शीतल होते हुए भी उसमें उष्णता किसी उपाधि के निमित्त आया। जीव स्वरूपत नित्य मुक्त होते हुए भी अज्ञान के कारण अपने को बंधन में डाला, परंतु अज्ञान भी यदि यदि नित्य होगा, अज्ञान भी यदि पारमार्थिक होगा, तभी आपका जीवत्व की ना जीवत्व ना जीवत्व हेतु दोनों ही हमारे लिए पारमार्थिक नहीं है, दोनों कल्पित। जो जीव कल्पनाया नित्यत्व अजोगा सा निमित्त तस्य वक्तव्य वक्तव्यता, तो क्या है बोलने के लिए, तस्य च वस्तुत्व, मतलब जीव कल्पना की जो है यदि उसमें जो वस्तुत्व निवृत्ति अनुभव करते अवस्तुत्व च निमित्तस्य असिद्धि जीव कल्पनाया दुर्घटत्वा तत्कार्यभूता अपि कल्पना न अवकल्पते इति आशंका आह सैव जीव कल्पना किम निमित्त इति दृष्टांतेन प्रतिपादयत। अब देखिए अवस्तुत्व च निमित्तत्व असिद्धि, अब क्या हो गया, आप बोलते हैं कि वो अवस्तु है, अच्छा बताओ जो अवस्तु है बंदा पुत्र से कोई काम होता है, आकाश कुसुम की मतलब मुकुट कभी किसी ने देखा है, यदि ये अवस्तु होगा तो अवस्तु पे काम कैसे होगा, ये तो नहीं बोल सकते होते, ठीक है। क्या बोला आपने, बोला कि ना जीवंत पारमार्थिक है ना जीवंत के हेतु तो अज्ञान पारमार्थिक, वो वस्तु नहीं है। यदि ये असत वस्तु होता, यदि असत वस्तु होता, इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं यदि वो असत मान रहे हैं, हम मिथ्या बोल रहे हैं, मत हमारे यहाँ पे अविद्या क्या है, अविद्या का विद्या विरोधी भाव वस्तु, विद्या की अभाव हम अविद्या नहीं बोलते, विद्या की अभाव हम अविद्या नहीं बोलते हैं, ज्ञान की अभाव हम अज्ञान नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं कि ज्ञान विरोधी एक भाव वस्तु जो सृष्टि के हेतु होती है, परंतु ज्ञान होने के बाद आपको पता लगता है कि ये पारमार्थिक है ना, अज्ञान है और ना अज्ञान के कार्य कुछ नहीं, इसलिए आप बोलते हैं कि अवस्तु के च निमित्तत्व असिद्ध। यदि वो अवस्तु होगा तो किसी को नहीं, मंदा पुत्र किसका निमित्त बन नहीं सकता। आगे क्या लिखा है, एक अलग अलग और ल में हलंतम कर दीजिए, ल में हलंतम कल्प कल्प
कल्पनाया, कल्पनाया लिखा है, लकार हलंतम कल्पनाया दुर्घटत्व तब पे हो जाएगा, और तब तो दीप कल्पना भी होना संभव नहीं होगा यदि अवस्तु है, यदि अवस्तु है तो दीप कल्पना होने से दुर्घटत्व मतलब दुर् उपपाद्यत्व उसको प्रतिपादन नहीं कर पाएगा। दो नंबर टिप्पणी में कार्यभूता तत्कार्यभूता अपनी कल्पना न अवकल्पते, इसीलिए उसका कार्यभूत कोई कल्पना मतलब अवस्तु के कार्य रूप की कोई कल्पना भी होना संभव नहीं होता यदि आसन शंका करने। ठीक है ना, बंधा पुत्र ने एक साल यहाँ पे राजत्व किया, फिर उसने अपने पुत्र को ऊपर राजत्व दे के शरीर छोड़ के चला गया, हम किसी को बोलेंगे को मानेगा कि नहीं मानेगा भाई, कल्पना के लिए भी तो कोई अधिष्ठान चाहिए आपको। इसी प्रकार से ये अविद्या नामक एक वस्तु जो पारमार्थिक है ही नहीं, उसने किसी को जीव बना करके संसार में घुमा रहा, ये कैसे मानेंगे हम, तो कैसे मानेंगे, एक युक्ति संगत नहीं है। अवस्तु तेज निमित्तत्व असिद्धे, यदि कोई निमित्त आप माना तो उसमें वो निमित्त यदि अवस्तु है तो उसमें निमित्तत्व की भी धर्म माना संभव नहीं है। जीव कल्पनाया दुर्घटता फल तो क्या जाएगा, जीव कल्पना करना ही कठिन हो जाएगा। अर्थात कार्यभूत आपकी कल्पना की दीप के लिए उपयोगी जो आपने कल्पना किया ना, क्या बोला जथा विद्य जथा स्मृतम, इसलिए वो कल्पना भी ना अवकल्पते वो होना भी युक्ति संगत नहीं होता है ना। कल्प इति आशंकते, इस प्रकार शंका करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे तीन नंबर टिप्पणी बोलते हैं कल्पना न अवकल्प्यते, यहाँ पे तो हमको लगता है कि पैसिव प्रयोग किया भगवान ने टिप्पणी कार बोल रहे हैं कल्प अवकल्प्यते अवकल्पते इति युक्तम, यहाँ पे ये कहना युक्ति संगत क्लीन था कौन सा फास्ट कंजुगेशन फास्ट कंजुगेशन था, तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि अवकल्पते होता तो ठीक है। अब क्या है कि व्याकरण में तो भाषा इतना ब्रॉड है ना, वहाँ पे कोई प्रयोग हुआ अशुभ रहता था ना। एक चीज इसके बाद इति आशंका है ना, इति आशंकते, तो ई का इसमें एक अर्थ था वो ई के लिए ड्रॉप हो गया, ऐसे नहीं हो ठीक है, उसको उसको लेकर के नहीं बोला जा रहा है टिप्पणी, उसको लेकर के नहीं बोला जा रहा है टिप्पणी, किसको लेकर के बोल रहे हैं वहाँ पे क्या विभिन्नता है देखो टिप्पणी में है, वहाँ पे एक यकार अधिक है, टीका में यकार अधिक है टिप्पणी में यकार नहीं है, मतलब एक पैसिव प्रयोग है। अब कल्पना शब्द देखो ये स्त्रीलिंग शब्द है कल्पना रमा, आप उसको पैसिव में प्रयोग करेंगे तो कल्पना प्रथम बहुवचन होना चाहिए, आप यदि आप एक्टिव वॉइस में प्रयोग करें कल्पना द्वितीय बहुवचन होना चाहिए, है कि नहीं। अरे नहीं, आपको जो है पैसिव प्रयोग में कर्ता क्या होता है आपका प्रथमा में आ जाता है, इस मतलब कर्म प्रथमा में आ जाता है और कर्ता तृतीय में हो जाता है। ठीक है ना, आप जो है यदि आप कल्पना प्रथमा बहुवचन करेंगे तो अवकल्प्यते, ठीक है ना, द्वितीय में क्या है अब कल्पना किया गया है कल्पना को किया जाता है तो कल्पना द्वितीय बहुवचन होगा, परंतु कल्पना शब्द का प्रथमा बहुवचन द्वितीय बहुवचन दोनों एक ही रूप है। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि आप सेंटेंस को देख करके दुर्घटना तत्कार्यभूत अपनी कल्पना न अवकल्पते, इसमें ना युक्ति संगत नहीं है इति आशंकते, इसको मन में रखते बोलते अवकल्पते की जगह पे अवकल्पते होता है, ये अधिक युक्ति संगत होता है, कल्पना को किया जाता है। अब आई भाष्य में शैव जीव कल्पना किम निमित्ता इति दृष्टान्ते न प्रतिपादयते, आपके पुस्तक में दृष्टान्ते नकार है कि नहीं, जीव कल्पना हुआ क्या किस निमित्त से हुआ इति दृष्टान्ते न, उसको दृष्टान्त के द्वारा प्रतिपादयति प्रतिपादन करके दिखाते हैं। ये क्या दृष्टान्त दिया, यथा लोके स्वेन रूपेण अनिश्चिता अनवधारिता एवं एव इति रज्जु मंद अंधकारे किम सर्प उदक धारा दंड इति वा अनेकधा विकल्पिता भवति पूर्व स्वरूप अनिश्चय निमित्तम। ठीक है, पहले इस पंक्ति को अच्छी तरह समझेंगे शब्द हो जाएगा काम। इस प्रकार लोक व्यवहार में, जिस लोक मतलब लोक व्यवहार में स्वेन रूपेण अनिश्चिता मतलब जिस वस्तु का जो स्वरूप है उसका उस रूप में नहीं निश्चय करने के कारण अनिश्चित निश्चय नहीं हो पाया था,
अनिश्चित का अर्थ कर दिया क्या, अनिश्चिता यथा रज्जु है ना, तो अनिश्चित शब्द यहाँ पर उठाया, उसका अर्थ करता है अनवधारिता, मतलब उसका निश्चय नहीं हो पाया, अनिश्चित अवधारण अर्थ अनिश्चित अवधारिता। एवं एवं इस ठीक इसी प्रकार से इति, मतलब जिस प्रकार किसी वस्तु के स्वरूप के अवधारण नहीं होने के कारण जो घटना होती है, मतलब अग्रहण के कारण, जहाँ अग्रहण है वहाँ अन्यथा ग्रहण होगा ही होगा, यदि ग्रहण हो रहा है अग्रहण, मतलब यथार्थ रूप में ग्रहण नहीं होगा तो अन्यथा ग्रहण होगा, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे एवं एवं इति। आप दृष्टांत को समझा रहे हैं, रज्जु मंद अंधकार, जैसा रज्जु ठीक इसी प्रकार से एक मतलब एक रस्सी आधा अंधेरे में मंद अंधकार, पूरा अंधेरा है समस्या नहीं है, पूरा प्रकाश है समस्या नहीं है, परंतु आधा अंधकार समस्या के कारण होता है, इसलिए बोलते हैं मंद अंधकार किम सर्प, क्या ये सर्प है, क्या ये जलधारा है, क्या ये दंड है, इस प्रकार से कई प्रकार से विकल्प लोग करते हैं, जवाब अनेक वधा विकल्पिता भवती, रज्जु अनेक प्रकार से विकल्प करके हम सोचते रहते विकल्पिता भवती, क्यों करते हैं इसे, पूर्वम स्वरूप अनिश्चय निमित्त, क्योंकि वहाँ पे क्या पढ़ा हुआ है वो हमने ठीक से नहीं देखा, वो हमने ठीक से नहीं देखा, और यही हमारा स्वभाव है, व्यवहारिक जगत में भी यही होता है, व्यवहारिक जगत में भी यही होता है, कहीं भी किसी जगह पे कोई भी मतलब आपको ये दिखाई दे रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है, तो समझना है कि वहाँ पे समथिंग इज नॉट अंडरस्टूड, समथिंग इज नॉट अंडरस्टूड, दैट्स व्हाई दिस मिसअंडरस्टैंडिंग, व्यवहारिक जगत में भी यही चीज़ लागू होता है, इसीलिए आप आत्म दोबारा बोलते हैं यथा लोके शैन रूपेण अनिश्चित अनवधारित, उसको देखो पूर्वम पहले स्वरूप अनिश्चय निमित्त, हम अपने स्वरूप की निश्चय नहीं कर पाने के कारण हमने अपने ऊपर कल्पना कर लिया। इसके ऊपर देखिए टीकाकार क्या बोल रहे हैं कि उत्तरत्वेन श्लोक अक्षराणि अवतार्य व्यतिष्ठे, इस शंका के उत्तर के रूप में, मतलब जो वस्तु पारमार्थिक मतलब नहीं है वो वस्तु किसी का निमित्त भी नहीं बन सकता, तो ये हुआ कल्पना हुआ कैसे, तब बोलते हैं कि स्वरूप से निश्चय नहीं किया था इसी कारण से, उत्तर तेन श्लोक अक्षरानि, इसके उत्तर के रूप में श्लोक के अक्षरों को उठा करके अवतार अवतार मतलब उसको ला करके व्याचस्ट व्याख्या करते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, दृष्टांतेन प्रतिपादयति, प्रति कहाँ पे है, दृष्टांत ने जहाँ पे संशोधन किया आपने, दृष्टांतेन इति स्वप्न साधारणम रूपम रज्जुत्तम तेन इति जागत, स्वप्न का जो साधारण रूप है कि वहाँ पे रज्जुत्त धर्म तेन इति है, उस रूप से है ना कि रज्जु की रज्जु रूप समझे निश्चय नहीं कर पाया, रज्जु का रुष्चु स्वप्न का साधारण रूप क्या है कि कल्पित वस्तु है और उस स्वप्न काल में ये कल्पित है, उस समय हम निश्चित नहीं कर पाते क्योंकि उस स्वप्न से व्यवहार करते हैं, इसलिए होते स्वप्न साधारण रूपम रज्जुत्तम इति याद, इसलिए वहाँ पर जो रज्जुत्व रूपी धर्म बैठा हुआ वो हमने निश्चय नहीं करा, घटत तो विशिष्ट घट का ज्ञान नहीं हुआ, कोई एक वस्तु है ऐसा ज्ञान, इसलिए अवधारितत्तम एवं अनवधारितत्तम एवं स्फोरी स्फोरयति, अनवधारितत्तम एवं स्फोरयति, जो निश्चितता की अभाव उसी को स्पष्ट करके कहते हैं एवं एवं इसी प्रकार से ही अपने स्वरूप के निश्चय के अभाव के कारण ही अनवधारितत्तम एवं स्फोरयति स्पष्ट करते हैं एवं एवं इति, ठीक इसी प्रकार से ही रज्जु एवं यम इति अनेन प्रकारेण इति अर्थ, मतलब एवं एव इति मतलब ये रज्जु ही है, यम रज्जु रेव, यम रज्जु रेव इति एवं प्रकारेण निश्चित न भवति, इसलिए यहाँ पे रज्जु एव यम ये रज्जु ही है इति अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से अनवधारितत्वा इस प्रकार से निश्चय नहीं होने के कारण हम क्या हो गया रज्जु को बनाने प्रकार की कल्पना, रज्जु एव इसका अर्थ हो गया एवं एव, तो रज्जु एव यम अनेन प्रकारेण इति अर्थ, फिर उक्त अवधारण रहित कारणम सूचयति, इस प्रकार निश्चय क्यों नहीं कर पाया, यहाँ पे आपको कौन मना किया था निश्चय करने, इससे होता है उक्त अनवधार उक्त अवधारण रहित मतलब इस प्रकार जो आपने निश्चय नहीं कर पाया, हमने निश्चय नहीं कर पाया उसके पीछे क्या कारण है, कारण को सूचित करते हैं मंद अंधकारी है ना, वहाँ पे क्या दिखाया कि प्रकाश पूरा नहीं था, पूरा प्रकाश नहीं था, मतलब क्या हो गया हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने ठीक से विचार नहीं किया, विवेक की प्रकाशन आपने को जीव मानने के पीछे हेतु क्या हो गया, हमारी विवेक की प्रकाश पूर्ण नहीं, इस कारण से हम उसको ठीक से निश्चय नहीं कर पाए,
इसलिए बोलता है यहाँ पे बोला इसका हेतु क्या दिया, मंद अंधकारी को क्या होता है तो फिर ये सर्प है कि उदक है कि जलधारा है अथवा दंड है, तो हम निश्चय नहीं कर पाते, अलग अलग विकल्प करते रहते, इति वह अनेक अदा विकल्पिता भवति, इस प्रकार से अपने को अनेक प्रकार से विकल्प करते सोचते हैं। अब यहाँ पे जो आया हुआ है ना लास्ट लाइन में देखिए, रज्जु मंद अंधकार किम सर्प उदक धारा दंड इति वह अनेक अदा विकल्पिता भवति, क्यों उसके पीछे हेतु दोबारा स्पष्ट करते हैं, पूर्व स्वरूप अनिश्चय निमित्तम, ठीक है ना, पूर्व स्वरूप स्वरूप अनिश्चय, पहले अपने स्वरूप का निश्चय नहीं कर पाया था, तो देखो पूर्व शब्द का अर्थ लिख रहे हैं रज्जु स्वरूप निश्चयात् निश्चयात् प्राग अवस्थाया मित्र, रज्जु स्वरूप के निश्चय करने से प्राग अवस्था भी यहाँ पे पूर्व शब्द के द्वारा कहा, ठीक है ना, रज्जु स्वरूप निश्चया रज्जु स्वरूप निश्चय से पहले प्राग अवस्थाया निश्चय से पहले इति अर्थ पूर्व का अर्थ हो गया, कि जब हम उसको निश्चय नहीं कर पाए तब क्या किया हमने वहाँ पे सर्पादि कल्पनायाम अन्य व्यतिरिक सिद्धम उपादान उपनिष्यति, है ना, ये जो आपने क्या किया वहाँ पे कि स्वरूप अनिश्चय निमित्तम, जहाँ जहाँ स्वरूप निश्चय का नहीं होगा वहाँ वहाँ कल्पना होगा, जहाँ स्वरूप निश्चय हो जाएगा वहाँ कल्पना नहीं होगा, ये अन्य व्यतिरिक, जहाँ स्वरूप निश्चय नहीं है वहाँ कल्पना है, जहाँ स्वरूप निश्चय है वहाँ भी कल्पना नहीं है, ये अन्य व्यतिरिक, इसलिए बोलते हैं कि सर्पादि कल्पनायाम अन्य व्यतिरिक सिद्धम, अन्य व्यतिरिक से सिद्ध होता है जो उपादान कारण उसको उपन्यास करते, क्या बोलते हैं स्वरूप अनिश्चय निमित्तम, यत्र यत्र स्वरूप अनिश्चय तत्र तत्र कल्पना, यत्र यत्र स्वरूप निश्चय तत्र कल्पना, इस प्रकार से अन्य व्यतिरिक कहते हैं, इसके अंत दिखाया कि स्वरूप अनिश्चय निमित्तम एतत् एव व्यतिरेक द्वारा विभिन्नोति, एक अन्वय दिखाया जहाँ पे आपका स्वरूप निश्चय नहीं होगा वहाँ पे कल्पना होगा, इसका व्यतिरेक क्या हो जाएगा, जहाँ स्वरूप निश्चय होगा वहाँ कल्पना नहीं होगा, इसलिए आप बोलते हैं कि एतत् एव व्यतिरेक द्वारा विभिन्नोति, इसको एक व्यतिरेक के द्वारा विस्तार से समझाते हैं, यदि ही पूर्व एव रज्जु स्वरूपे न निश्चिता सैत न सर्पादि विकल्प भविष्य, ठीक है ना, यदि हम पहले ही उसको रज्जु रूप ठीक से निरूपण कर लेते, मतलब चलो देखते हैं वहाँ पे जाके हिम्मत करके चलो देखते हैं वहाँ पे क्या है देख लेंगे तब उसको समझेंगे, यदि हिम्मत करके चले जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, एक तो शरीर थका हुआ दिन भर मेहनत का शरीर थका हुआ होता है, और फिर तब छुट्टी की एक अलग आनंद होता है कि अब कुछ काम नहीं करेंगे, इसीलिए क्या होता है उस समय उसको देखने की इच्छा नहीं होती, इसी जन्मांतर के संस्कार और विषय भोग की आनंद ये हमको उसको ठीक से देखने नहीं, जन्मांतर संस्कार और जन्मांतर संस्कार क्या है जो बाहरी विषय की भोग की आनंद वो क्या होता है हमारे स्वरूप को ठीक से देखने नहीं होता, यही यहाँ पे बोलते हैं एकता देव व्यतिरिक द्वारा विभिन्नोति, यदि ही पूर्व यदि पहले ही हम वहीं पे खड़े होकर के रज्जु स्वरूप में निश्चित ऐसा रज्जु स्वरूप के द्वारा निश्चय हो गया होता न सर्पादि विकल्प भविष्य तक सर्पादि विकल्प कुछ हो ही नहीं सकता था वहाँ पे, यथा स्वहस्त अंगुल्यादिशु, आप बताओ कमरे में कितना भी अंधेरा हो बिजली चले गई घनघोर अंधेरा बाहर से कोई लाइट नहीं आ रहा है, हमारे हाथ में उंगली है कि नहीं है आप निश्चय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपके अपने हाथ में उंगली है कि नहीं है निश्चय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कोई भी लाइट नहीं है अपने घर में कुछ भी लाइट नहीं है कुछ नहीं है कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, आपका हाथ में उंगली है कि नहीं है आप निश्चय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे क्योंकि लाइट की अपेक्षा ही नहीं रखता, आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है, हाथ में देखने वाला वस्तु नहीं है, फिर यू कैन फील इट, ये आपका अनुभव में है, इंद्रियों काम करे चाहे ना करे हमारा अनुभव है, इसे इतना इतना सुंदर दृष्टि दिया कि आत्मज्ञान ऐसा ही है कि जब आपके कुछ भी ना रहे आपके हाथ में स्वहस्त अंगुल्यादिशु जैसा आपका निश्चय रहता है, हाथ में आए हुए आपका आंवलाओं को जैसे यहाँ आंवला नहीं है और कुछ नहीं है, भगवान भास्कर वो भी छोड़ दिया, आपका वो आंवला की अपने हाथ की उंगली तुमको निश्चय रहता कि नहीं रहता है, इंद्रियों की तरह दिखाई दे चाहे ना दे फिर भी हम समझ जाते हैं हमारी उंगलियाँ सब है कुछ अनुभव की तरह, ठीक इसी प्रकार से आत्मा के एक बार अनुभव हो जाता है, कोई प्रकाश रहे चाहे ना रहे आत्मा स्वयं प्रकाश प्रकाश अपने को प्रकाशित कर दृष्टांत कितना सुंदर, ये निश्चय हो जाता है फिर कभी भ्रांति नहीं होती, इसीलिए होता है यदि ही पूर्व में रज्जु स्वरूप न निश्चिता सैत न सर्पादि विकल्प भविष्य तक सर्पादि विकल्प नहीं होता, दृष्टांत क्या दिया यथा स्वहस्त अंगुल्यादिशु जैसे अपने हाथ के अंगुल के समान,
जो भी उंगली तो एक बाहरी वस्तु है, कुछ भी नहीं दिखाई देता, पूरा अंधेरा है, एक नया जगह में गए हुए, आपको कुछ जानकारी नहीं है, फिर भी निद्रा खोलते मैं हूँ भाव मन में आता है कि नहीं आता है? ऑटोमेटिक आता है ना, क्योंकि मैं अपने अस्तित्व को बनवाना बिल्कुल फॉर्म कन्फर्मेशन है, मैं हूँ मैं चेतन हूँ, जरूर समझ, केवल एक ही जगह पर कमी रहेगा कि नहीं, असंग व्यापक भी आप नहीं समझ पाते, इसी के लिए शास्त्र की उपयोगी है, बात मैं हूँ मैं चेतन, इसको लेकर शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है ये बात, आपको जर है कि चेतन है, महाराज मैं चेतन हूँ व्यवहार करता हूँ, परंतु इतना ही नहीं जानता कि मैं असंग हूँ, मैं तो करता हूँ, इसको लिए शास्त्र की आवश्यकता है। ये अब यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, देखिए, देवदत्तस्य हस्तादि अवयवेषु तद्रूपेण एव निश्चितेषु सर्पादि विकल्प यथा न उपलभ्यते तथा पूर्ववर्तिनी अपि रज्जुस्वरूपेण निश्चिते न असौ युक्त तथा च रज्जु अज्ञानात् एव स भवति इति अर्थ। जिस प्रकार देवदत्त नामक कोई व्यक्ति का सहस्तादि अवयव अपने शरीर के अवयवों में तद्रूपेण एव निश्चितेषु, जैसा वहाँ पे अपने जो जैसा है उसको उस रूप में आपने जब निश्चय कर लिया, उंगली को उंगली रूप में, हाथ को हाथ रूप में, पैर को पैर रूप में अब है, तो उस विषय में कभी आपको शंका होने वाला नहीं है, निश्चितेषु मतलब ऐसा हो जाने पर कि किसी प्रकार से कि रज्जु निश्चिते, रज्जु स्वरूपेण निश्चितेश, नीचे के लाइन में देखिए सप्तमी विभक्त है ना, नीचे की लाइन में रज्जु स्वरूपेण निश्चिते, जिस प्रकार वहाँ पे हस्तादि तद्रूपेण निश्चितेशु, इसी प्रकार रज्जु स्वरूपेण निश्चिते सति ना स्वरूप, इस प्रकार कल्पना ना युक्ति संगत नहीं है, कौन सा कल्पना, सर्पादि विकल्प यथा न उपलब्ध थे, ठीक है ना, यथा सर्पादि विकल्प उपलब्ध है तथा पूर्ववर्तनी अभी रज्जु स्वरूप निश्चित सामने दिखाई दे रहा है, वो रज्जु स्वरूप निश्चित हो जाने पर इस प्रकार की कल्पना युक्ति संगत नहीं है, तथा चाहिए फल तो क्या निकला, रज्जु अज्ञानात एव स भवति सर्पादि कल्पना भवति, रज्जु के अज्ञान के कारण ही सर्प है, तो क्यों कल्पना किया था, किम निमित्त, अपने स्वरूप का निश्चय नहीं था, अपने स्वरूप का निश्चय नहीं था कारण अब उसको अपने परिच्छिन्न मैं को रक्षा करने की सारी कल्पना कर देते हैं, इसका भी अब आगे टीका में भी उपपादितम दृष्टांतम अनुद्य दृष्टांतिकम अभिदधान चतुर्थ पादर्थम आह, ठीक है ना, प्रतिपादन कर दिया गया जो दृष्टांत को, उपपादितम दृष्टांतम अनुद्य प्रतिपादन कर दिया गया जिस दृष्टांत को उसको कथन करके दृष्टांतिकम अभिदधान दृष्टांत में घटा करके कथन करते हुए चतुर्थ पाद को अवतरण कर, चतुर्थ पादम आह, दृष्टांत में क्या दिया था, अपने हाथ पैर के समान दिया ना, उसको फिर दृष्टांत में घटा करके बोलते हैं मतलब स्वरूप को लेकर के, ऐसा दृष्टांत यही जो है अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण ही हमें जो है जीवत्व की कल्पना है, इसके लिए यही दृष्टांत है कि हमारे सामने पड़ा हुआ वस्तु रज्जु स्वरूप का ठीक से ज्ञान नहीं होने के कारण जैसे हम वहाँ पर सर्प आदि कल्पना करते हैं। अब यहाँ पे एक भारी समस्या खड़ा हो जाएगा, तो ब्रह्मसूत्र अध्यात्म भाषण भगवान, आप जहाँ कहीं भी भ्रांति होती है, हमें सामने कुछ पड़ा हुआ दिखाई दे वहाँ पर भ्रांति होती है कि नहीं, सामने को पूर्ववर्तिनी, आपने क्या बोला यहाँ पे देखो, पूर्ववर्तिनी पूर्ववर्तिनी अभी रज्जु स्वरूप, सामने जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे होता है, अब बताओ ये आपका स्वरूप आपको सामने दिखाई देता है, जब मैं यहाँ पे भ्रांति करूँ क्या हुआ वहाँ पे, हम एक अलग वस्तु है, सर्प एक अलग वस्तु है, बालू एक अलग वस्तु है, हमको आपको सामने दिखाई देती है, तब उसको हम ठीक से नहीं समझने के कारण वहाँ पे भ्रांति हो सकती है। यहाँ पे तो हम अपने में अपने आप कैसे भ्रांत करूँ, यहाँ तो होना संभव नहीं, वहाँ पे देखते हैं सभी व्यक्ति अपने सामने दिखाई दे रहा वस्तु में भ्रांति उत्पन्न अध्यक्ष वहाँ पे करते हैं, वहाँ तो आप तो भगवान भास्कर बोलते हैं जरूरी नहीं है कि दिखाई देने पर ही आप वहाँ पे अध्यास करें, आकाश आपको दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता, आकाश इंद्रिय गम्य वस्तु है कि नहीं है, है नहीं है, आकाश इंद्रिय गम्य वस्तु नहीं है, परंतु ये हमारी मान्यता है, आकाश दिखाई पड़ता है, कैसा दिखाई पड़ते हैं, कटहकार और नीला, अब बताओ आकाश का आकार कटहकार है कि नहीं है, आकाश नीला है कि नहीं है, परंतु हम देखते हैं, तो ये जो दिखाई देने वाले वस्तु में ही आप अध्यास करेंगे जरूरी नहीं है, नहीं दिखाई देने वाले वस्तु में ही अध्यास होता है,
आकाश जो है इंद्रिय गम्य वस्तु नहीं है, और फिर भी हम आकाश को नीला रंग से देखते हैं और उसमें काटाकार भी देखते हैं। अब इसमें और भी एक चीज़ एडिशनल जोड़ लेना, जिस समय मैं जानता था कि आकाश नीला है कटहकार है उस समय, और बाद में शास्त्र आदि को पढ़ के गुरुमुख से सुन करके हमने जान लिया, क्या जान लिया कि आकाश नीला भी नहीं है कटहकार भी नहीं है, एक स्पेस असंभव एक स्थान मात्र है, स्पेस मात्र है। इसमें आकाश को क्या फर्क पड़ा, फर्क कहाँ पर, इसी प्रकार आकाश से भी असंग आत्मा है, उस असंग आत्मा के ऊपर आपने जीवत्व की कल्पना कर ली, और जीवत्व की कल्पना करके अनादिकाल से मुक्ति के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, ठीक है ना। और प्रयास करके जब मुक्त हो गया, मतलब अज्ञान दशा में मैं बद्ध हूँ और मुक्त होने के बाद मैं मुक्त हो गया, निश्चित हो गया मैं जीवन मुक्त, इतना आनंद भी हो रहा है, आत्मा को क्या फर्क, आत्मा को क्या फर्क, ये विषय सब ये बौद्धिक है, ये सारा बुद्धि, वह बुद्धि ने मान्यता दी थी क्या कि मैं जो है बंधन में हूँ, और फिर जो है उससे मुक्त करने के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। इसीलिए दो चीज़ ध्यान रखना कि जनरली इसकी अध्यक्ष भाषण स्पष्ट करके भगवान बना। अच्छा, फिर आकाश तो बिल्कुल दिखाई देने वाला वस्तु है ही नहीं, फिर भी हम कल्पना करते हैं, परंतु आत्मा ऐसा कभी नहीं है कि दिखाई नहीं देता, हमेशा अनुभव में आता है, नियम आएगा, ठीक है ना, आत्मा हमेशा अनुभव में आता है, मैं ठीक है ना। रोज आप लोग यहाँ बैठ करके पाठ करते हैं, अगर आप बाहर गए आपसे कोई पूछता है क्लास में यहाँ पे आकर के, अच्छा आज क्लास में समीर मुखर्जी आए थे कि नहीं आए थे, तो आप क्या बताएंगे, मैं आप इस क्लास यहाँ पे समाप्त हो गया बाहर गए, आपने कोई व्यक्ति आपका अचानक पूछा अच्छा आज पाठ में समीर मुखर्जी नामक कोई व्यक्ति आए थे, क्यों आप जानते हैं, आप जो नहीं जानते हो क्या बोलेगा, पता नहीं अथवा नहीं जानता, ठीक है ना, परंतु रोज इसके साथ व्यवहार कर रहे हैं फिर भी आप नहीं जानते, किसी ने कह दिया बस यही व्यक्ति तो समीर मुखर्जी है, क्या हो जाएगा आपका निश्चय हो जाएगा, बस इतना ही आत्मज्ञान है, इतना ही आत्मज्ञान, रोज इसके साथ व्यवहार कर रहा हूँ मैं, केवल इसकी असंगता और धर्मता तो नहीं समझ पाता, एक बार गुरुमुख से आपको शुद्ध अंतकरण सुन ले निश्चय, शुद्ध अंतकरण में गुरुमुख से आपको सुन ले निश्चय, इसका उत्तर आगे बोलेंगे, इस उत्तर को समय होगा, दो नंबर प्रज्ञा वैशाख वेद शुभित जल निधे वेदनाम्नवंतरस्थम भूतान्यालोक्यमाज्ञान्यविरत जनन क्राह घोरे समुद्रे कारुण्यादुद्धधारामृतमिदमरहि दुर्लभं भूतहेतो यस्तं पूज्याभिपूज्यम् परम गुरुतम पापतैर्न तुष्णाम।